आगे बढ़ते हुए अब खबर जो है वो गणेश उत्सव से जुड़ी हुई है, क्योंकि देश भर में रौनक देखी जा रही है गणेश उत्सव की और देश भर में धूमधाम से ये पर्व मनाया जा रहा है। मुंबई में हर तरफ गणेश उत्सव की रौनक है, ये धूम देखी जा रही है। सिद्धिविनायक मंदिर में भव्य आरती भी इस मौके पर की गई। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। हर तरफ गणपति बप्पा मोरिया की गूंज है। आकर्षक रंगों से सजे हुए पंडाल हैं, गणपति की पूजा हो रही है, गणपति की आराधना में इस वक्त देश लीन दिखाई दे रहा है। खास तौर से महाराष्ट्र में इसकी रौनक सबसे ज़्यादा है। गणपति की मूर्ति को घर ला रहे हैं, फिल्मी सितारे हों या फिर आम लोग हों, सब अपने अपने सामर्थ्य से अपनी अपनी श्रद्धा के मुताबिक गणपति को घर ला रहे हैं और फिर उनके पूजा की तैयारी, उनके आराधना की तैयारी, गणपति बप्पा को प्रसन्न करने की तैयारी और जो मान्यता है गणेश उत्सव को लेकर वो सभी रिचुअल्स फॉलो करते हुए देश के अलग अलग हिस्सों में लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, सबसे ज़्यादा रौनक महाराष्ट्र में इसकी देखने को मिल रही है। गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी की धूम है। 10 दिवसीय उत्सव 17 सितंबर 2024 को अनंत चतुर्दशी पर खत्म होगा। इस दिन भगवान गणेश की मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश को घरों और पंडालों में स्थापित कर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान गणेश धरती पर अवतरित होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। साथ ही गणेश चतुर्थी के मौके पर सिद्ध विनायक मंदिर में पहली आरती की गई। इस दौरान मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी देखी गई। मुंबई में गणेश उत्सव की धूम सबसे ज्यादा होती है। मुंबई किस तरह से गणपति बप्पा मोरिया कह रहा है, इंडिया न्यूज संवाददाता प्रथमेश मिटांगले की ये रिपोर्ट देखिए। मुंबई में आज गणेश उत्सव का जो महोत्सव है वो बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। फिलहाल इस वक्त मौजूद लाल बाग में, और लाल बाग में आप देख सकते हैं किस तरीके जो मूर्ति की जो स्थापना है वो यहाँ पर पूरी तरीके से हो चुकी है, और जो लाखों श्रद्धालु हैं लगातार श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार जो अपने जो दर्शन है वो यहाँ पर लगातार लेने के लिए लगातार जो सुबह से ही जो श्रद्धालु है वो सुबह से आ रहे हैं। हालांकि आप मूर्ति को देख सकते हैं किस तरीके से जो मूर्ति है उसकी जो एक बहुत ज़्यादा एक खासियत से एक बहुत ज़्यादा अच्छे से जो मूर्ति को एक बनाया गया है, किस तरीके से जो एक जो उसका जो मुकुट है वो मुकुट किस तरीके से जो एक पूरे सोने का जो मुकुट है वो यहाँ पर बनाया गया है, किस तरीके से पूरी जो मूर्ति है वो यहाँ पर बनाया गया। लगातार जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर आ रहा है, देख सकते हैं किस तरीके से श्रद्धालु है वो लगातार सुबह से ही जो दर्शन करने के लिए लगातार ही जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर आ रहे हैं। लगातार सुबह से ही जो श्रद्धालु अपने जो मनोकामना है वो लेकर आ रहे हैं और लगातार जो दर्शन है उसके लिए जो है लोग सुबह से ही आ रहे हैं कि एक झलक जो है लाल बाग के राजा की हमें देखने को मिल जाए, और वो देखने के लिए यहाँ पर जो एक श्रद्धालु है सुबह से ही आ रहे हैं। हालांकि सुरक्षा के इंतजाम की भी अगर बात करूँ तो सुरक्षा के इंतजाम है उसको भी चार चौगम है, और जो पुलिसकर्मी है मुंबई पुलिस हो जाए चाहे इधर के सुरक्षा बल हो जाए लाल बाग के, वो भी यहाँ पूरी तरीके से तैनात है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से श्रद्धालु है वो सुबह से ही यहाँ पर जो है सुबह से ही आ रहे हैं। लगातार जो श्रद्धालु लाखों की संख्या में यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर आ रहे हैं, और हम इनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो इनको आज गणेश उत्सव है उनमें कैसा लग रहा है। आज गणेश उत्सव है सर, आज आप लाल बाग आए, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। आप कहाँ से आ रहे हैं? मुंबई साइंस से। कितना टाइम लग गया अभी आपको ये बस लाल बाग को एक झलक पाने के लिए? 4 घंटे लग गए। 4 घंटे, तो आप देख सकते हैं 4 घंटे का जो समय है वो यहाँ पर लग रहा है कि किस तरीके से जो लोग आ रहे हैं, 4 घंटे का जो समय एक लाइन में लगकर यहाँ पर लोग आ रहे हैं लगातार। मैम आज गणेश उत्सव क्या कहना, आपके आंखों में आंसू दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। वो है इतने दुलारे, बहुत है प्यारे, हर साल आते हैं हम। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम चारकोप से आते हैं सर। बहुत नमस्ते राजा है, वो नमस्ते राजा है। देख सकते हैं किस तरीके से जो लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं सिर्फ ये एक झलक पाने के लिए। किस तरीके से आप देख सकते हैं लाखों के तादाद में यहाँ पर जो है लोग आ रहे, हजारों के तादाद में,
हम और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से लोग एक भक्ति में लीन हुए लोग यहाँ पे लगातार आ रहे और बस गणपति बापा मोरिया का जो एक जम जम से चिल्ला रहे ताकि उनको एक कॉन्फिडेंस मिलता रहे कि वो यहाँ पर आए और जो अंदर जाके बस एक झलक पा सके लाल बाग की मूर्ति की। इसलिए यहाँ पर लोग जो है सुबह से ही हजारों के तादाद में, लाखों के तादाद में लोग सुबह से ही यहाँ आ रहे। हम लोग इनसे बातचीत भी, सर आप कितने, कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं बांद्रा से आया हूँ। कितने बजे से लाइन में लगे हुए? मैं 6 बजे से लाइन में खड़ा हूँ। 6 बजे से? कैसा लग रहा है आज गणेश उत्सव? बहुत अच्छा लग रहा है। आज आपकी आखिरी कर आपको एक मूर्ति देखने का आज एक सौभाग्य मिल गया। वेरी हैप्पी। मैम आपको कैसा लग रहा है आज आप यहाँ आए? बहुत अच्छा लग रहा है। हम 3 साल से आ रहे हैं यहाँ पे। 3 साल से आप यहाँ रहे? अभी आप कितने बजे से लाइन में लगे हुए? हम 6 बजे से लाइन में लगे हैं। तो आप देख सकते किस तरीके से जो लोग हैं वो सुबह 6 बजे से लाइन में लग कर रहे, लेकिन बस एक जो एक दर्शन है लाल बाग के राजा का उसे देखने के लिए लोग सुबह से ही 4 से 5 घंटे लाइन में लगकर यहाँ पे दर्शन ले रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कुणाल के साथ प्रथमेश, इंडिया न्यूज, मुंबई। मुंबई में खास रौनक है, दिल्ली और देश के बाकी हिस्सों में भी ऐसी ही रौनक है। सीपी के गणेश मंदिर पहुंची इंडिया न्यूज संवाददाता मेहंदी गर्ग, कैसी रौनक है इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। गणेश चतुर्थी जो उत्सव है उसकी शुरुआत हो चुकी है और आज से 10 दिन तक पूरे देश में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शहरों में गणपति का स्थापना के बाद पूरे 10 दिन तक पूजा होने वाली है। और फिलहाल हम मौजूद हैं कैनॉट प्लेस के गणेश मंदिर के सामने और इस मंदिर को बहुत ज़्यादा प्राचीन माना जाता है, क्योंकि बताया जाता है कि ये मंदिर जो है कैनॉट प्लेस में 18वीं शताब्दी में यहाँ पर स्थापित किया गया था। और यहाँ पर सुबह सुबह के वक्त आप देख सकते हैं किस तरीके की भीड़ है। फिलहाल जो कपाट है वो मंदिर के वो नहीं खुले हैं, क्योंकि गणेश स्थापना का जो समय है वो दिन के समय में है, तो उससे पहले जितने विधि विधान और जितनी पूजा की जाती है उसकी तैयारियां यहां पर की जा रही हैं। कुछ लोगों से भी बातचीत करते हैं जो कि यहां लाइनों में लगे हैं कि गणेश चतुर्थी को लेकर किस तरीके का उत्साह है। सर सुबह सुबह का समय है, गणेश चतुर्थी का उत्सव शुरू हो चुका है, कितना उत्साह है गणेश चतुर्थी को लेकर? बहुत एक्साइटमेंट है। सिंस मॉर्निंग वी वर जस्ट वेटिंग टू कम हियर एंड टू हैव यू नो ब्लेसिंग्स। साहब बहुत ज़्यादा है, देखिए सुबह से जो लोग हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जो आशीर्वाद है गणेश भगवान का वो लेने के लिए पहुँचे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और जो भीड़ है वो लगातार इस मंदिर में बढ़ती चली जाएगी पूरा दिन भी, क्योंकि जो त्यौहार है, जो उत्सव है वो शुरू हो चुका है और अगले 10 दिन तक इसी तरीके के से ये पूरा त्यौहार मनाया जाएगा और 10 दिन बाद गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। लेकिन आज स्थापना का समय है, लोगों की भीड़ आप यहाँ पर देख सकते हैं और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर गणेश चतुर्थी का आगाज हो गया है, किस तरीके का उत्साह है, क्या मन्नतें लेकर आज मन्नत तो मांगे जी? भीड़ तो बहुत है, बाकी देखते हैं अंदर क्या होता है। जी देखिए भीड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन श्रद्धा भक्ति के साथ यहाँ पर लोग पहुँचे हैं और आशीर्वाद लेने के लिए लंबी लंबी कतारों में भी खड़े हैं। और अगर अंदर की बात की जाए तो अंदर भी बहुत लंबी एक भीड़ लगी हुई है। फिलहाल गणेश जी की जो मूर्ति है जो स्थापित की जाएगी उसको स्थापना अभी नहीं की गई है, क्योंकि समय जो है, जो मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त है वो दिन का है, तो उससे पहले जो कलश यात्रा की जाती है या जितने भी विधि विधान होते हैं उनको मद्देनजर रखते हुए यहाँ इस मंदिर में ये जो प्राचीन गणेश मंदिर है उसकी शुरुआत हो चुकी है। गणपति बापा मोरिया के जो जयकारे हैं वो यहाँ पर इस मंदिर में लग रहे हैं और भी कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। सर आप लोग भी पहुँचे हैं सुबह सुबह, ये एक बहुत ऐतिहासिक मंदिर है, कितना उत्साह है गणेश चतुर्थी? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गणेश चतुर्थी में बहुत उत्साह है। पहले ये बॉम्बे में ही ज़्यादातर मनाया जाता था और अब ये दिल्ली में भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो सिर्फ मुंबई में ही नहीं, अब दिल्ली में और देश के अलग अलग शहरों में ये पूरा जो त्यौहार है वो मनाया जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मनोकामनाएं लेकर पहुँचे? मनोकामनाएं तो बहुत हैं गणेश जी से, मगर हम तो यही करते हैं कि सबको सुख शांति से रखें, हमारे देश को और हमें हमारे परिवार को, आपके परिवार को, सबको यही है। हम तो ये गणेश जी से यही प्रार्थना करते हैं, सबकी सुख शांति की प्रार्थना। माता जी आप भी आई हैं यहाँ, गणेश चतुर्थी का आगाज हो गया है, किस तरीके से उत्साह है गणेश चतुर्थी को लेकर? बहुत उत्साह है बेटे, चाहे मेरी 83 साल की उम्र है पर मेरे को था मैंने पहुँचना है। मैं कृष्णा नगर से आई हूँ जी, बस से ही। तो क्या मन्नतें लेके आई है, क्योंकि बहुत दूर से भी आप पहुँचे? सुख शांति बेटे, बच्चे संदुरुस्त रहें, सुख शांति रहे घर में, बस। और मेरे को कुछ नहीं चाहिए इस उम्र में, और क्या चाहिए मेरे को जी? कुछ नहीं चाहिए, बस सुख शांति चाहिए, बस। बिल्कुल
बिल्कुल। तो देखिए सुख शांति की मनोकामनाएं लेकर यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और सिर्फ पहुँचे ही नहीं हैं, लगातार जो भीड़ है आप देख सकते हैं कि पहुँचती जा रही है, यहाँ पर बढ़ती ही जा रही है। और गणेश जी पर जो चढ़ावा है उसको लेकर यहाँ पर फूल लेकर लोग पहुँच रहे हैं, प्रसाद लेकर लोग पहुँच रहे हैं जो गणेश जी के चढ़ावे में प्रयोग होता है। तो देखिए ये जो उत्साह है, ये जो उत्सव है, ये बहुत ज़्यादा मान्यताएँ भी रखता है। पहले सिर्फ महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में जोरों शोरों से ये उत्सव मनाया जाता था, लेकिन अब पूरे देश के विभिन्न शहरों में, अलग अलग शहरों में भी गणेश चतुर्थी की, गणेश स्थापना की, साथ ही साथ गणेश विसर्जन की जो पूरी तैयारियां हैं वो धूमधाम से की जाती है। और अगर दिल्ली की बात की जाए तो ये प्राचीन मंदिर है जो 18वीं शताब्दी में यहां पर स्थापना की गई थी इस मंदिर की, लेकिन पूरे दिल्ली में अलग अलग जगहों पर, हर जगह पर पंडाल लगे हैं, जो उत्सव है उसकी धूम में जितने भक्त हैं वो सब रमे हुए हैं और गणपति बप्पा मोरया के जयकारे 10 दिन तक पूरी दिल्ली में सुनने वाले हैं। और ये जो त्यौहार है उस उत्सव को मनाने के लिए जितने शरणार्थी हैं, भक्त हैं, दिल्लीवासी हैं, वो भी पूरी तरीके से तैयार है। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। ये तो बस रौनक की शुरुआत भर है, अगले 10 दिन इसी तरह की रौनक आपको देश भर